नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। चौरी तहसील से सटे मरकाहांडी ग्राम पंचायत में बलदेव वर्मा और उसके पुत्र मंगल सिंह वर्मा पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के बाजू में शासकीय जमीन मुआरे रोड पर अवैध अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि बलदेव वर्मा ने दबंगई के बल पर शासकीय जमीन के दस्तावेज यानी पट्टा भी फर्जी तरीके से बनवाया है। इस मामले में स्थानीय निवासियों का कहना है कि बलदेव वर्मा ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और किसी भी प्रकार की कार्यवाही को नजरअंदाज कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्मा परिवार ने दबंगाई के बल पर ये जमीन हथिया ली है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम करा ली है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाए और सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। वहीं तहसीलदार ने कहा कि हमने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो बलदेव वर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये देखना बाकी है कि प्रशासन कब तक इस मामले में उचित कदम उठाता है और ग्रामवासियों को न्याय दिला पाता है। ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा चौरी से विशेष रिपोर्ट। मैं जमीन लेकर जमीन के सामने की जमीन का कब्जा किया करके झोपड़ी बना लिया है और मैंने आवेदन तहसीलदार के पास लगाया जिसे मैंने पहले, इसके बाद में भी आज तक कब्जा नहीं हटाया है। और भी मेरी आपसे सख्त निवेदन है कि इसका कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं विनय वर्मा न्यूज 21 नेशनल स्टेट हेड साहिल सर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने का शासन का काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार मरकाहांडी में बलदेव वर्मा द्वारा शासकीय रास्ता मध्य की जमीन पर अवैध कब्जा कर झोपड़ी का निर्माण कर लिया गया है, जिसके तहत तहसीलदार महोदय और SDM महोदय द्वारा 6 महीने पहले उसको हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन आज दिनांक तक बलदेव वर्मा द्वारा झोपड़ी को नहीं हटाया गया है। अतः बलदेव वर्मा की बस्ती के अंदर दो मकान हैं और मकान के लिए प्लाट भी उपलब्ध है, इसके बावजूद भी बलदेव वर्मा वहां से झोपड़ी नहीं हटा रहा है तथा शासन प्रशासन द्वारा तीन बार झोपड़ी को हटाने की कार्यवाही की गई, किंतु बलदेव वर्मा द्वारा दो बार यह बोला गया कि वह 1-2 दिन में स्वयं खाली कर लेगा और एक बार झूठे दस्तावेज दिखाकर झूठा पट्टा पेश करके कार्यवाही को रोका गया तथा इस पर भी तहसीलदार महोदय द्वारा आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।